अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? राबिया विलेज फूड पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज हम बना रहे हैं बीफ के दिल और गुर्दे। बड़ी मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे आज हम। आपने हमारे साथ रहना, जाना कहीं नहीं है। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, इस आवाज़ को आपने इग्नोर करना, क्योंकि आज भी हमारे विलेज में पुराने रस्म रिवाज, जैसे कि पुराने ज़माने में स्पीकर चलाते थे तो बेटे की शादी करते थे, आज भी वो रिवाज बरकरार है। तो इस आवाज़ को आप इग्नोर ज़रूर कीजिएगा। माशाल्लाह से मसाले हमने सारे बना लिए हैं, अब हम करेंगे कलेजी की कटिंग। मेरा छुरी तेज करने वाला, इससे छुरी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। दिल की हम कटिंग कर लेंगे। पहले दिल पे से ये सारी हम चर्बी उतार लेंगे। छुरी हमारी माशाल्लाह से काफ़ी तेज़ हो गई है। इस तरह से हम इसके पीस बना लेंगे, फिर इसके हम एक साथ कटिंग करेंगे। माशाल्लाह से दिल और गुर्दे मैंने दोनों कटिंग कर लिए हैं अच्छी तरीके से। ये गुर्दे हैं और ये दिल है। ये दिल की मैंने सारी चर्बी एक तरफ करके बिल्लियों को डाल दी और बाकी मैंने साफ साफ से मैंने कटिंग कर ली और छोटे छोटे से पीसेस रखे हैं, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखे। अब मैं लगाऊंगी इससे दही और नींबू पास, और कुछ नहीं लगाना मुझे। सबका अंदाज़ अपना अपना होता है बनाने का। कलेजी और गुर्दे मेरा अंदाज़ अपना है। अगर आप इस तरीके से रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही लजीज बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी, कि आपके सब घर वाले तारीफ करने पे मजबूर और उंगलियाँ चाट जाएंगे। एक अदद हम डालेंगे इसमें नींबू। ये है थोड़ा सा मसाला हम इसमें डालें, बीफ कढ़ाई गोश्त मसाला। और ज़्यादा हम इसे मैरिनेट नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट। जब तक ये मैरिनेट होता मैं इसका सारा मसाला प्याज वगैरह टमाटर वगैरह काट लूँ और आग जला लूँ। जब तक ये मैरिनेट हो जाएगा मेरे प्याज भी ब्राउन हो जाएगी, हम प्याज ब्राउन करके निकाल लेंगे बाहर। यहाँ पे काट लेंगे हम प्याज वगैरह।
दरमियाने साइज के ले लिए हमने 3 प्याज, इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। प्याज हम ज़्यादा बारीक काटेंगे क्योंकि हमने ब्राउन करके प्याजों को बाहर निकालना है। टमाटर ज़्यादा सख्त थे तो हमने सोचा टमाटर के छिलके उतार लूँ। अगर हम टमाटर के छिलके नहीं उतारेंगे तो ये बिल्कुल ही घुलेंगे नहीं और मुंह में भी आएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, तो जिसकी वजह से हम टमाटर के छिलके उतार रहे हैं। बारीक बारीक हमने टमाटर काट लिए छील के, अब हम जलाएंगे आग। कढ़ाई का पानी खुश्क हो गया है, अब हम डालेंगे कढ़ाई में घी। आज आग जलने में बहुत ही मसला कर रही है क्योंकि लकड़ी सीनी है, बीच में बारिश आ गई थी जिसकी वजह से सारी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं बहुत ज़्यादा। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, हम टिश्यू के ऊपर प्याज निकाल लेंगे सारे ताकि टिश्यू इसका घी जज्ब कर ले और प्याज हमारे कड़क कड़क से रह जाए। निकालिए टिश्यू के ऊपर और अब डालेंगे हम इसमें कलेजी, वो कलेजी के दिल और गुर्दे। मैरिनेट हो गया हमारे अच्छे तरीके से दिल और गुर्दे। दिल और गुर्दों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि इसकी दही एक तरफ उड़ जाए और घी एक तरफ आ जाए, फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। अच्छे तरीके से हमने लहसुन अदरक छील लिया और इसे हम अच्छे तरीके से बारीक कूट लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे दिल में और गुर्दों में। माशाल्लाह से गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भुन गया है, देखे इसने घी भी छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए घी अलग हो गया बिल्कुल। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक जो हमने पीस के रखा हुआ है। ऐड करेंगे टमाटर जो मैंने छील के और बारीक बारीक काट के रख दिए थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
करेंगे मसाले, मिर्चे हैं 2 चम्मच, 1 चम्मच नमक है, 1.5 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी, ये मेरा घर का मसाला है। थोड़ा सा हमने लिया गरम मसाला, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्चें। हम इसमें पानी ताकि मिर्चें हमारी जलें। मसाला गाढ़ा करने के लिए आप दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, जैसे मैंने किया है इस्तेमाल, और मसाला हमारा देखे फटना शुरू हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से दिल और गुर्दे हमारे कितने अच्छे तरीके से भुन गए हैं। आज हमने गोल्डन ब्राउन करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे ताकि हमारा मसाला और गाढ़ा हो जाए। थोड़ा सा और इसमें पानी डाल के हम इसे कवर कर देंगे। आग तेज है, पानी हम 1 गिलास डालेंगे इसमें ताकि दिल गुर्दे भी गल जाएं और जितना हमने इसमें कड़ी रखनी है वो भी बच जाए। दस मिनट के लिए हमने इसे कवर कर दिया। बारीक बारीक धनिया कट गया है ये ना, और ये पिसा हुआ गरम मसाला है जो हम खुशबू के लिए दम में डालेंगे। धनिया भी और गरम मसाला भी एक साथ दम में डालेंगे हम। माशाल्लाह से गोश्त हमारा गल गया है। हम पिसा हुआ गरम मसाला खुशबू के लिए, हम बना लेंगे रोटियों के लिए पेड़े, फिर आपके साथ डिश आउट करती हूँ कि मैंने दिल और गुर्दे कैसे बनाए। तवा हमारा गर्म हो गया था तो मैंने कहा पहले रोटी बना लूँ। हम सालन को डिश आउट, माशाल्लाह से देखा कितनी मज़ेदार और कितनी लजीज दिल और गुर्दों की रेसिपी हमारी बनी है गरम गरम रोटी के साथ। मैंने इसलिए रखा कि आ जाएं बहन भाई जिसने खानी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और इसी तरह से आपने अगर बनानी, कलेजी भी बन जाएगी इसी तरह से और दिल गुर्दे भी इसी तरह से बन जाए, ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा अपनी फैमिली के साथ और अपने फैमिली में शेयर कीजिएगा। और गरम गरम नान के साथ भी बना आप शेयर कर सकते हैं और रोटी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे पास रोटी थी गरम गरम तो मैंने रोटी के साथ शेयर किया। और जाते जाते मिलेंगे आप सबसे इजाज़त मिलेंगे किसी अच्छे से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखेगा हमें याद, हमें दीजिएगा इजाज़त मेरी ये रेसिपी के साथ, दिल और गुर्दों के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। किवें पकी है दान? सही है, बिल्कुल सही है। सही है, मजेदार है, नमक मिर्च ठीक है ने? सही है। हाँ गरम गरम रोटी देनी थी, पका दे तो खा दिए।
मिलती है।